And all I feel is blue. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगी जीके की, जो कि हैं इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स की। ओके, मतलब आविष्कार और आविष्कारक की ट्रिक बताऊंगी, वो भी हिंदी में। ओके, हमारी क्या ट्रिक है, कौन कौन से आविष्कार हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जो वो हम देखेंगे। डीजल इंजन, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल। इनके नाम में ही डीजल है, तो आप इससे याद रख सकते हैं डीजल, डीजल इंजन को। ओके, सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पेडीन ने किया था। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि सीमेंट को हम लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी शेप में हम लोग सीमेंट को ढाल सकते हैं, तो जोसेफ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं जो शेप देना है। ओके, रेडियो, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी जी ने किया था। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि पुराने जमाने में क्या होता था, रेडियो ज्यादा यूज होता था, तो कैसे लोग रेडियो चलाते थे, जैसे रेडियो खराब वराब हो गया तो क्या कहते थे, मार्कोनी से ठीक हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते कि रेडियो खराब हुआ तो उसे कोनी से मारकर ठीक कर लेते हैं, तो मार्कोनी। फाउंटेन पेन, वाटर मैन, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। इसको कैसे याद रखेंगे, पानी का फाउंटेन यह होता है, तो पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो वाटरमैन। आप यहाँ पे फाउंटेन और वाटर को रिलेट कर सकते हैं। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो अब इसको कैसे याद करेंगे कि टेलीफोन हम करते हैं तो बेल बजती है, तो बेल और टेलीफोन को हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। एयर कंडीशन, एयर कंडीशनर का आविष्कार हैवीलैंड कैरियर ने किया था। इसको कैसे याद रखेंगे, एयर कंडीशनर काफी हैवी होता है, तो उस हैवी से हैवीलैंड याद रखेंगे। गाइगर मुलर काउंटर, गाइगर मुलर काउंटर का आविष्कार गाइगर ने किया था। इनके नाम में ही गाइगर है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि माइकल की शादी में फेरे का जब समय आया तो विद्युत मतलब लाइट चली गई, तो माइकल ने कहा जनरेटर ऑन करो, तो विद्युत और जनरेटर और फेरे, आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, पॉकेट वॉच का आविष्कार पीटर हेलिन ने किया था। ओके, एक्सरे, कॉनरेड, कैलकुलेटर, पास्कल, मतलब एग्जाम अगर कैलकुलेटर रहेगा तो हम पास जरूर जाएंगे, पास से पास्कल। रेल इंजन, जॉर्ज स्टीफेंस, जॉर्ज स्टीफन। मोटर स्कूटर, ग्रेविली ब्रेड शो, मतलब मैंने सब्जी बनाई, सब्जी में ग्रेवी कम। मोटर स्कूटर का आविष्कार ग्रेविली ब्रेड शो ने किया था। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे कि मैंने घर पे सब्जी बनाई, उसमें ग्रेवी नहीं है, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि जा मेरे स्कूटर ले जा और ग्रेवी ले आ। तो आप मोटर स्कूटर, स्कूटर से ग्रेवी को कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं ग्रेविली ब्रेड शो। ओके, टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया था, ये सभी जानते हैं, सभी जानते होंगे। पनडुब्बी, वुल्स नेल, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स डेविज ने किया था। कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स डेविज ने किया था। इसको कैसे, इसकी ट्रिक याद रखेंगे जिनके नहीं पता है, आजकल कंप्यूटर बहुत कम यूज हो रहा है, सब लैपटॉप टैबलेट वगैरह यही सब यूज करते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे कि एक शॉपकीपर ने बोला शॉप में कि इसे चार्ल्स से बेच, मतलब चार्ल्स से कंप्यूटर को बेचो। ओके, तो इससे हो जाएगा कंप्यूटर चार्ल्स डेविज। नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार डोरी सिली ने किया था। इसको कैसे याद रखेंगे कि बैरोमीटर हमारा टूट गया तो हमने डोरी से सिल दिया, डोरी और टोरी को रिलेट करके यहाँ पे इसे याद रखेंगे। रेफ्रिजरेटर, हैरिसन और कैडलिन, हैरिसन और कैडलिन, हैरी से हैरी पॉटर, कैट से कैटरीना कैफ, याद रखेंगे कि हमने फ्रिज खोला तो वहां पे हैरी और कैटरीना कैफ बैठे थे। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था, साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। कैसे इसके याद रखेंगे कि हम स्कूल से लेट हो गए तो
हम अपने फ्रेंड की साइकिल से कई मील दूर अपने घर आए, साइकिल से अपने घर आए। बिजली का पंखा हीलर, बिजली के पंखा का आविष्कार हीलर ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था। तो इसको कैसे याद, अपने विद्युत बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उनके रूम में, उस रूम में उनका सन आ गया, सन आ गया तो बल्ब टूट गया तो उसकी एड़ी में लग गई। तो एड़ी सन, एड़ी को एडी से कनेक्ट करके हम इसको याद करेंगे, एडी सन। डायनामाइट, अल्फ्रेड बी नोबेल। डायनामाइट एक बम के जैसे, एक बम के जैसे होता है कि हमने बम की जैसे, डायनामाइट एक नाम एक बम के जैसे है तो इसको कैसे याद करेंगे कि डायनामाइट एक बम है और बम को हमें फोर्स लगा के, बल लगा के नहीं फोड़ा जाता, उसको ऐसे ही फेंका और वो फूट गया। तो नोबेल, नोबेल से हम लोग नोबेल याद रखेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।